मध्य प्रदेश एनएसयूआई 15 जुलाई को अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने बताया कि एनएसयूआई अपनी चार मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इन चार सूत्री मांगों में नीट की परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए को बैन किए जाने, नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने, अग्निपथ योजना को बंद किए जाने और नर्सिंग घोटाले में शामिल दोषियों के खिलाफ FIR की जाए जैसी बातों को शामिल किया गया है। जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं, जो सरकार की कुनीतियां हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनको दबाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश में बंद कर रखे हैं। इन्हीं चार विषयों को लेकर जो है आने वाली 15 तारीख को हमारे NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हेमंत कटारे जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग CM हाउस को घेरने के लिए निकलेंगे 15 तारीख को। और उसमें हमारी स्पष्ट मांग होगी कि नीट का जो है, नीट की जो संस्था है NTA, उसको बैन किया जाए, नीट का एग्जाम फिर से कराया जाए, अग्निपथ जो योजना है उसको बंद करा जाए, नर्सिंग घोटाले में जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की फिर से बहाली कराई जाए। इन मुद्दों को लेकर जो है हम लोग 15 तारीख को मुख्यमंत्री निवास के लिए कूच करेंगे और जो है सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी इन मांगों को मानने पर सरकार मजबूर हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।